वर्षीय जितेंद्र ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उन्हें करियर के इस पड़ाव पर ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा। जितेंद्र उन पांच मुक्केबाजों में से एक है जो इसी साल होने वाले बीजिंग समर ओलंपिक में भारतीय खेमे का हिस्सा होंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं हरियाणा में भिवानी का रहने वाला हूं और मैंने इस बार बीजिंग ओलंपिक्स के लिए 51 किलोग्राम में क्वालिफाई किया है। साई भिवानी से अपने खेल का आगाज करने वाला जीतू राष्ट्रीय स्तर के अनुभव के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी कई गौरव हासिल कर चुका है। सब जूनियर से स्टार्ट किया था, सब जूनियर में अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी, सब जूनियर में स्टेट में गोल्ड था। उसके बाद साई हॉस्टल में हुआ, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम सीनियर स्टेट लड़ा, अखिल की और कोच की बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी कि भाई अखिल बोलता था कि ये गोल्ड लेगा, नेशनल में गोल्ड लेगा, ये स्टेट में गोल्ड लेगा, तो कोच बोलता था कि नहीं ये नेशनल में ये स्टेट में ही हारेगा। उसे अखिल पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखता था, मेरी फुल प्रैक्टिस कराता था पूरा टाइम, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करता था, ज़्यादा ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस करवाता था कि ताकि ये नेशनल और स्टेट में गोल्ड ले सके। 1998 कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर और फिर 2002 मैनचेस्टर में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जीतू ने दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पहला राउंड खेलने के बाद पता चलता है कि स्कोर मैं आगे हूँ या पीछे होता तो शायद और हैवी होता। दूसरे मुझे पहले राउंड में पता चल गया था कि मैं स्कोर ऊपर हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दूसरे राउंड में बहुत अच्छा खेला और भी तीसरा फिर बढ़ता चला गया। इस जीत के बाद मुझे पाकिस्तान को हराया मैंने, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं सब जूनियर में 2004 जो एशियन गेम्स थे, चिल्ड्रन एशियन गेम्स, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ मैं ब्रॉन्ज मेडल रहा, तो रशियन कंट्री थी, वहाँ पे अच्छा कंपटीशन देखने को मिला, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस भी रही इंडिया की, वहाँ खेल कर मज़ा आया। सब जूनियर से थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ इंटरनेशनल में कैसे बॉक्सर आते हैं, रशियन बॉक्सर कैसे होते हैं, एशियन कजाकिस्तान वाले कैसे बॉक्सर होते हैं, उनके साथ काफ़ी अनुभव मिला। दोहा एशियन गेम्स में जब खेलने के लिए गया तब वहाँ मेरा ड्रॉ अच्छा था, फर्स्ट बाउट मेरी पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान को 5-14 जो काफ़ी डिफेंस से हराया था मैंने उसको, फिर कोरिया को भी आउट ऑफ क्लास किया था। हालांकि ये भी कहा जाता रहा कि जीतू के खेल में वो पैनापन नहीं दिखता जो एक चैंपियन में होना चाहिए, इन तमाम विरोधाभासों के बीच जीतू ने उम्दा खेल दिखाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन बात साफ है, हौसलों में जान हो तो मंजिलें खुद बुलाती हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में अखिल के साथ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अखिल मेरा बड़ा भाई, वो तो सेकंड टाइम जा रहा है वो भी, तो उसी के साथ मैं ओलंपिक्स खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ा खुशी का दिन वही हुआ। और उसके बाद जो है ये ओलंपिक्स जो हमारा बैरियर लगा हुआ है ओलंपिक्स में मेडल नहीं आने का, एक बॉक्सिंग के अंदर, ये बॉक्सिंग के अंदर जब ये बैरियर टूट जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि हर बार ओलंपिक्स में भारत को आपको पदक जरूर मिलेगा बॉक्सिंग के अंदर। इसी बीच जीतू को कई चोटों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस खिलाड़ी ने बेपरवाह होकर अपने खेल के स्तर को बरकरार रखते हुए अस्थाना में अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से मात देकर बाउट अपने नाम की और दिखला दिया कि कड़े दबाव से वापसी करना ही हो सकती है एक विजेता की पहचान। बीजिंग क्वालिफाई के लिए मेरी फर्स्ट बाउट पाकिस्तान के साथ थी, जो एक वो वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, उसको मैंने दो बार पहले हरा चुका था मैं उसको कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में, तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा उसके साथ। हाँ मुझे पता था उसका गेम कैसे खेलता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है तो इसके साथ काउंटर खेलना है, तो उसके साथ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जो चाइना था,
चाइना थोड़ा डर था कि कहीं ये बाउट को वो कर लेते हैं तो इसके साथ क्या करूं, इसके साथ कैसे एग्रेसिव खेलना पड़ेगा या काउंटर खेलना पड़ेगा, तो उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई फर्स्ट पर। लेकिन फर्स्ट राउंड में जब मैं स्कोर ऊपर हुआ तो उसके बाद मैं उसको हाथ नहीं आया। थर्ड बाउट थी मेरी कजाकिस्तान के साथ, जो होस्ट था उसके साथ मुझे थर्ड राउंड में ही बाउट छोड़नी पड़ी कि ताकि मैं अगली बाउट जो मेरी क्वालिफाई बाउट है उसके लिए मैं अच्छी से रिकवरी कर सकूं और उसके साथ अच्छी लड़ सकूं और क्वालिफाई कर सकूं। थर्ड बाउट जो है फिलीपाइंस के साथ, जो एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, उसके साथ प्रॉब्लम हुई फर्स्ट राउंड में, जब मुझे पता नहीं था कि कैसे खेलता है। देख रहे बोल रहे थे कोच कि इसकी बाउट देख, फिर भी मैंने उसकी बाउट नहीं देखी। उसके बाद जब उसका पता चला कि एग्रेसिव ज़्यादा खेलता था वो, तो उसके साथ फर्स्ट राउंड से ही मैं भी एग्रेसिव खेला, उसके जैसे कि उसका गेम था उसी के गेम में खेला, तो मेरा स्कोर 3-0 था शुरू में। उसके बाद सेकेंड राउंड भी मैं एग्रेसिव खेला, उसके बाद 4 हुआ, फिर भी एक बार तो मैं रो रहा था तो कोच बोलते हैं कि क्यों रो रहा है तू, मैं कोच साहब स्कोर नहीं मिले क्या करूँ मैं। फिर भी मैं सोचा अब नहीं छोड़ूंगा, 4 स्कोर ऊपर हूँ तो आराम से इसको मार लूँगा। तब मेरा कॉन्फिडेंस और आता रहा, स्टेमिना भी थोड़ा लूज़ हुआ, मुझे थोड़ा मैं डर था कि कहीं 4 स्कोर ऊपर होने के बाद अगर हार गया तो जीतू इंडिया में कितनी मुश्किलें होंगी पता नहीं। तो उसके बाद फिर आराम से थर्ड राउंड में 5 स्कोर, फिर लास्ट राउंड में तो बिल्कुल भाग के आराम से कोचिज भी नीचे से आवाज़ लगाए थे, मैं भी कोचिज की तरफ देख रहा था हाँ क्या है कोच साहब स्कोर क्या है ये है, तो बोल रहे थे जीतू पीछे 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 बैक में बैक पैडलिंग कर रहा था, लेफ्ट छोड़ रहा था और आराम से वो बाउट भी बड़ी संघर्ष करना पड़ा लेकिन मज़ा आया उस बाउट में। चीफ कोच जी एस संधू को अब इस खिलाड़ी के खेल पर काफी भरोसा है। जितेंद्र एक कॉपी है अखिल की, बहुत उम्दा बॉक्सर है, अपकमिंग बॉक्सर है, यंग है और इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया अभी क्वालिफाइंग के अंदर। उसने फिलीपाइन बॉक्सर्स को जहां हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन वन साइड बाउट करके उसने मारा, और भी 3 बाउट उसने बहुत बढ़िया जीते। उसकी जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है बहुत ही उम्दा है और काउंटरिंग की क्षमता भी रखता है, वो अपने आप बहुत अजाइल से और फुटवर्क से खेलता है। उसमें एक अलग सी क्षमता है ऑफ सरप्राइज अटैक्स, और वो सरप्राइज अटैक एकदम धोखे में रख के ओपोनेंट को अटैक करता है, वो कई कई बार बहुत कारागर साबित होते हैं और हमें उम्मीद है जैसी वो मेहनत कर रहा है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन। जीतू एक जोशीला बॉक्सर है, वो हमेशा अपनी क्षमता का 100% देने की कोशिश करता है, ऐसे में अपनी बॉक्सिंग को और बेहतर करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस का कोई वक्त नहीं। आप उसे कोई भी टास्क दे वो उसे पूरा जरूर कर लेगा, उसमें कुछ कर दिखाने की भूख साफ नजर आती है, ऐसे में आप जीतू पर यकीनन विश्वास कर सकते हैं। जितेंद्र एक बहुत ही होनहार बॉक्सर है जो कि यंग है और उसका स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और जो मूवमेंट है बहुत तेज है। उसके पास एक नेचुरल टैलेंट है कि जैसे ओपोनेंट का गार्ड कहीं हल्का सा निकल जाए इसका हाथ इमिडिएटली पंच उसका दूसरा ओपोनेंट टारगेट के ऊपर लैंड करता है। फुटवर्क इसका बहुत अच्छा है जिसका मूवमेंट्स भी है, और सिंस ही इज गॉट अ नेचुरल जितना नेचुरल टैलेंट की वजह से वो इसको ओपोनेंट को स्पीड में ही बीट करता है और उनको डिफीट कर देता है। ऐसे में जितेंद्र भी कोच की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पटियाला के NIS ट्रेनिंग कैंप में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। देखिए संधू साहब का बड़ा ही योगदान है, वो यहाँ पे कैंप में इतनी मैनेजमेंट करते हैं, कितना हमारे लिए पूरा घूमते हैं। बॉक्सर को क्या चाहिए हर टाइम पूछते रहते हैं कि बॉक्सर आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी हमें बताओ कुछ क्या चाहिए। वहाँ पे कजाकिस्तान में पूरी केयर करते थे हमारी कि हाँ जी तू कितना वेट है पूरा, जब भी वेट चेक करने आते तब साथ में आते थे कि कितना वेट है, फिर उसे खाना टाइम सभी को इकट्ठा बुलाते थे कि हाँ चलो खाना खाएंगे सभी। हर टाइम 24 घंटे एक बॉक्सर के पास आना, रूम के अंदर आना, हाँ कैसा है ठीक है क्या तुम्हें अब कोई तकलीफ तो नहीं है, कल बेटे उसके साथ बाउट है। फिर संधू जो मतलब कि इसके अंदर पूरी अच्छा अनुभव है, एक तो ओलंपिक्स का क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इनको चीफ कोच में, एक जैसे ओलंपिक्स के अंदर इनको अनुभव है वैसे ही वहाँ हर कंपटीशन में दिखाते हैं कि हाँ जीतू ये बाउट मैंने देखी है कि इसके साथ कैसे खेलना है, तो उनका अनुभव भी हमारे काम। जीतू अगर वो
अगर अपना टेम्पो लूज ना करे तो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन जब वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करता वो किसी से भी हार सकता है। उसकी सबसे बड़ी कमी यही है। और बाकी नंबर वन पे मैं अगर मेडल होप में रखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर वन पे मैं जीतूगा रखूँगा, उसके बाद विजेंदर, तीसरे पे लाकड़ा और चौथे पे दिनेश को, और पाँचवें को अपने आप में। पाँचवा इसलिए क्योंकि मुझे पीछे से आगे आना बहुत पसंद है। जितेंद्र जो कि बहुत ही अच्छा है और अखिल है, उसके पीछे जो बोला जाए उसके कामयाबी के पीछे सिर्फ अखिल का हाथ है, मैं तो इतना बहुत मानता हूँ। लेकिन और भी कोचेज हैं जैसे संधू साहब और फर्नांडिस कोच, सभी अच्छा उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अखिल का मैं देखता हूँ। अखिल की बात पूरी समझता, अखिल की पूरी बात मानता, अखिल के बताए हुए स्टाइल में खेलने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अखिल कुमार, इंडियन बॉक्सर। बीजिंग ओलंपिक जाने के लिए मैंने एथेंस सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। इन दिनों में मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि देश के लिए ओलंपिक में मेडल आ सकूं। देखिए मुझे लाइव बीजिंग ओलंपिक में सिर्फ दूरदर्शन। Who were hoping Leander Paes and Mahesh Bhupathi could put things right in the final of the men's doubles. मैं हूं योगेश्वर, इंडियन रेसलर। इस बार एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मैंने बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और इस बार मैं तैयारी कर रहा हूं बीजिंग ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने की। देखिए मुझे लाइव बीजिंग ओलंपिक में सिर्फ दूरदर्शन पे। Hi, I'm Neha Agarwal and I'm an Indian table tennis player. In Hong Kong, I defeated Malaysia and I qualified for Beijing Olympics. Watch me live from Beijing Olympics only on Doordarshan. जीतू अकेला नहीं है, बीजिंग में पदक की उम्मीद को गहरा करने के लिए दिनेश उसके साथ है। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं हरियाणा में भिवानी का रहने वाला हूँ। मैं बीजिंग ओलंपिक में 81 किलोग्राम में बीजिंग ओलंपिक में भाग ले रहा हूँ। 81 किलोग्राम यानी लाइट हैवीवेट कैटेगरी का ये योद्धा भी रिंग में उतरने को है बेताब। और मैंने कजाकिस्तान में एशिया सेकंड क्वालिफाई में भाग लिया, जिसमें मैंने फर्स्ट बाउट सीरिया के साथ थी, जिसमें वो जो कि मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया था। फिर सेकंड बाउट मेरी मंगोलिया के साथ हुई, जिसमें मैं
फर्स्ट राउंड 4 स्कोर अप था, तो कोचिंग के कहने पर मैं और अग्रेसिव होकर थर्ड राउंड में उसको भी आरएससी कर दिया। ऊंचे लंबे कद के इस बलशाली मुक्केबाज की खेल शैली बाकियों से थोड़ी अलग है। इसकी ताकत इसके मजबूत कंधों में मानी जाती है, जो किसी भी पल कर सकती है विरोधी के इरादों को पस्त। दिनेश उसका अच्छा बॉक्सर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंचेज है, हिट पंचेज है, उसके पंच में इतनी पावर है कि अगर उसका पंच कनेक्ट होता है बॉक्सर को, अगला बॉक्सर खड़ा होना उसके सामने मुकाबले के लायक नहीं रहेगा, इतना उसका पावर पंच है। दिनेश यंग बॉक्सर है, इसका पहला ओलंपिक है, ये 81 किलोग्राम में क्वालिफाई हुआ जिस मीट में गुस्तर मिला था, बट ये बहुत बड़े दिल का बॉक्सर एंड स्ट्रॉन्ग फाइटर है, इसके पास बहुत पावरफुल लेफ्ट है, अगर इसका लेफ्ट जब लग जाए तो मुश्किल है ओपोनेंट को दोबारा बाउट में आना, तो इसकी जो मेन क्षमता है वो हम इसके पावर पंच के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर ये इस अगर इसका ये पंच प्रॉपर चलता रहा तो ये हमें बढ़िया देगा, लेकिन अभी उसके साथ ही हैज़ डेवलप्ड सम कॉम्बिनेशंस और फुटवर्क भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसका, और उम्मीद है कि ये भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। दिनेश एक जूनियर बॉक्सर है, जो जूनियर से सीनियर में रिसेंटली उसने वो आया है, और देश से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होप्स है क्योंकि वो एकदम हार्ड हिटिंग बॉक्सर है, काफ़ी पंचेस ले भी सकता है, और साउथपा होने के नाते उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, और पंचेस जो ओपोनेंट रीड नहीं कर पाते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। अभी आइबा प्रेसिडेंट्स कप में उसने बाउट ज़रूर हारा है, जो बाउट उसके साथ वर्ल्ड चैम्पियन के साथ आतोएव अब्बास ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ था, इसने ज़रूर बाउट हारा है, लेकिन उसने 2 दफ़े काउंट के तौर पर मतलब हार्ड पंच दिया, वर्ल्ड चैम्पियन को हिला दिया, बाद में जहाँ स्पेक्टेटर्स थे और बाकी बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स, गुरबख्श संधु कोच को आके बताए ये लड़का शायद ओलंपिक्स में मेडल इंडिया के लिए ला सकता है। मुक्केबाजी इनके लिए महज खेल ही नहीं, एक जुनून है, जुनून जीत के आने का, जुनून भारतीय मुक्केबाजी का परचम लहराने का। पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और मेडल दूंगा देश को। दिनेश इज द यंगर वन, ही जस्ट फिनिश्ड जूनियर। दिनेश सबसे जूनियर है, लेकिन फिर भी उसमें जीतने का और कुछ कर दिखाने का जुनून है, दिन ब दिन उसके खेल में काफी निखार आ रहा है। दिनेश बहुत मेहनती है, साथ ही उसके पंच में गजब की ताकत है। पहले दिनेश का डिफेंस कमजोर था, लेकिन अभी वो डिफेंस के साथ साथ तकनीकी क्षमता पर भी काफी मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से उसके डिफेंस में काफी सुधार देखने को मिला है। दिनेश की वेट कैटेगरी में कुछ मुक्केबाज तो काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई मुक्केबाज उसके बराबर के हैं, ऐसे में ड्रॉ पर काफी कुछ निर्भर करेगा। कुल मिलाकर उम्मीद है कि दिनेश का प्रदर्शन लाजवाब रहेगा। मेनी बॉक्स हुआ इक्वल, सो इज अ ड्रॉ इज गुड, ही कैन परफॉर्म वेल। दिनेश काफी यंग है, दिनेश और जीतू हम इस टीम में पूरे यंग है सही, तो अच्छा पावरफुल है, अच्छी स्ट्रेंथ है, और कोचिज वगैरह उसके साथ भी अच्छा वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, मतलब हम 5-1 किस्म से महाभारत के पांडव की तरह हैं। और जो ये बैरियर बता रहा हूँ मैं, हम 500 ही क्षमता रखते हैं कि 500 में से मतलब कोई ना, मतलब हम सभी क्षमता रखते हैं कि ये बैरियर तोड़ दें। हाँ, इतना जरूर है, अगर एक बार ये बैरियर टूट गया तो हर ओलंपिक में बॉक्सिंग का मेडल। ऐसा है, भिवानी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है, वहाँ बहुत देर से ये सेंटर खुला था, जिसकी शुरुआत हवा सिंह साहब और राजेंद्र सिंह बॉक्सिंग कोच ने की थी। ये जहाँ जितने गांव के लोग थे वहाँ पर ट्रेनिंग करने आते थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल उसको सपोर्ट किया, ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ। इसमें भी पहले बॉक्सर राजकुमार और कई बॉक्सर हुए जो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए, जितेंद्र कुमार पहले जो कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल लेके आया था, उसके बाद वहाँ पर जब ये रिटायर हुए हवा सिंह साहब तो वहाँ जगदीश कोच आए, और उनके साथ एक लोकल कोच है वहाँ विष्णु भगवान, तो इन लोगों ने वो जो रीति थी उसको आगे चलाई और बहुत बढ़िया चलाई। वहाँ की जो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग है, लगातार ट्रेनिंग, और जो गांव से रॉ मटेरियल आ रहा है वो ऐसा है, हम उसको कई बार अपनी भाषा में मिनी क्यूबा भी कहते हैं। लोग वहाँ आके आप हैरान हो जाएंगे कि लोग वहाँ आके छोटे छोटे बच्चे घरों में किराए पर मकान ले कर घरों में रहते हैं और वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ मेरा ख्याल 5-6 अकेडमीज़ भी चल रही हैं, प्राइवेट अकेडमी, और वहाँ जो इंटरेस्ट है पेरेंट्स का बच्चों का वो बहुत ज़्यादा है, और हमें बड़ी खुशी है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ उन कोचिज़ को
जगदीश को और बाकी कोचेज को जो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस लेवल के जो बॉक्सर हमें दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। और हम बधाई देंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी, जिनके इस सेंटर से इतने बड़े रिजल्ट आए। जी हाँ, इस बार तो पूरा उम्मीद है, हम कोचेज को जितने सिर्फ एक हम यहाँ पे कोचेज नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कोचेज हैं सबको ये यकीन है कि इस बार तो बॉक्सिंग टीम जरूर कुछ ना उलट फेर करने वाली है बीजिंग ओलंपिक 2008 में। तो इसमें पूरा उम्मीद रखना चाहिए हमें अपने देश से, कि हम अपने देशवासियों से उम्मीद करते हैं कि वो लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनको एक ओलंपिक में मेडल जरूर दिलाएंगे। We'll be right back.